दो आए हैं तेरे, क्या चल रहा है तू? तो चल रहा है, बेईमानी नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलूंगी फिर तेरे। अरे क्यों, तू तो हमेशा मेरे साथ ही खेलती है। चुप रह, चलिए ये देख, छह। छह अभी एक बार। खमा घड़ी। अरे सीधा खड़ा हो मेरे। अबे ओए इधर देख पहले। क्या कहा मैं? मन्ने मैडम सांस से मिलना है। क्यों? मन्ने मारी लुगाई की बहुत याद आ रही है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। पर दिल और दिमाग दोनों खराब हो रखा सा है। यार कैसा आदमी, तुझे अपनी बीवी की याद आ रही है तो हमारे घर की बहू से क्यों मिलना चाह रहा है तू? मैंने लुगाई को चिट्ठी लिखवानी है। यार तुझे अपनी बीवी के लिए चिट्ठी लिखवानी है तो मैडम से चिट्ठी क्यों लिखवा? चल मैं लिख देता हूँ। आजा आप हमारी बीबी को चिट्ठी लिखोगे? शर्म ना आती आपने? तो हमारे घर की बहू से चिट्ठी लिखवाने में तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तो घड़ी शर्म आवे। चिट्ठी में उल्टी सीधी बात लिखवानी है और मैंने लिखने में बहुत शर्म आवे, इसलिए तो मैं मैडम साहब से चिट्ठी लिखवा रहा हूँ। अच्छा, जो बातें तुझे लिखने में शर्म आ रही है मेरी बहू से लिखवाएगा है? शर्म नहीं आती? मेरी बहू क्या तुझे बेशरम लगती है? जे ना पूछो मन्ने, आपकी बहू कैसी दिखती है? क्या मतलब? देखो जी आंटी साहब, वो भी लुगाई है, मैडम साहब भी लुगाई है, और एक लुगाई लुगाई की दिल की बात समझ सके ये नहीं समझ सके। चिट्ठी मन्ने लिखवानी है मैडम साहब से ही। ओ मुच्छड़, चौकीदार है अपनी औकात में रह। चौकीदार है तो कहीं हुआ, दिल को नहीं कहा हमारे पास? अरे इसी बात का तो डर है, इतना बड़ा दिल लेके तू घूम रहा है, तड़प रहा है तेरा दिल। मैडम पास जाओ। एक बार, कोई जरूरत नहीं है तुझे मैडम के पास जाने की, तुझे किसी औरत से चिट्ठी लिखवानी है ना, ये भी औरत है ये लिख देगी। हाँ ला दे। चाचा सा, आंटी सा की उम्र देखो, भजन कीर्तन करने की उम्र में ये मारा क्या लिखेगी प्रेम पत्र? बच्चा है तू, प्रेम के मामले में ये बहुत आगे है, मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। ले, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में मैंने इसको धार्मिक फिल्मों की जगह रोमांटिक फिल्में देखते हुए देखा है। दिल की बहुत रोमांटिक है ये। चल भाई आजा, मैं लिखाती हूँ तुझे चिट्ठी। अरे ऐसी चिट्ठी लिखवाऊंगी ना कि तेरी बीवी ना गांव से दौड़ती चली आएगी तेरे पास। चल चल लिखवानी डेविड, तू से लिखवानी। अरे पगली, तुमने कभी हमें बैठे बैठे आंखें खोल कर सोते हुए देखा है क्या? नहीं तो जागे हुए होंगे ना। हम ना आपके लिए कुछ लिखे हैं, हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनो, ये जो कुछ भी लिखा है ना, अभी हमें दे दो, हम शॉप पे बैठ के आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है? नहीं, आपको हमको अपनी ही आवाज में सुनाना है। टिल्लू की आवाज में सुन लेंगे पगली, वैसे भी तुम्हारी और टिल्लू की आवाज कभी कभी सेम टू सेम लगती है, ठीक बा? कुछ भी, इतना मेहनत से लिखे आपके लिए, सुनेंगे भी ना हमारा कविता? सुनाओ सुनाओ। ठीक बा। हाँ तो सुनिए। हाँ अभी अभी लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं, नया तरह का है एकदम। सुनाओ ना। अ कोठे के ऊपर छत, छत पे बैठा कौवा। कोठे के ऊपर छत, छत पे बैठा कौवा, मुंह मीठा करना हो तो बताइए, अभी तल दे आपके लिए मालपुआ। बहुत मीठा लिखा है, बहुत अच्छा, चलो ओके। हाँ, कोठे के ऊपर छत, छत पे बैठी चिड़िया, हम होंगे साथ साथ, आप बुढ़ऊ हम बुढ़िया। बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे। कोठे के ऊपर छत, छत पे सूखा पैजामा, कोठे के ऊपर छत, छत पे सूखा हमरे लड्डू के भैया का पैजामा, आप मोटे मत हो जाना, आ खा के हमरे हाथ का खाना। कोठे के ऊपर छत, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं और है, बाद में सुन, तो गर्मी बढ़ नहीं गई है पगली है? नहीं तो हमें कहे लग रही है। एक तो हमारा भी सुन लो, कोठे ऊपर छत, छत पर बंदर गा रहे, बाद में सुनेंगे तुम्हारी शायरी, अभी हवा खाने जा रहे। लड्डू के भैया, ये तो हमसे
बहुत ही दूर चले गए। इतना मेहनत से, इतने प्यार से हम कविता लिखे थे, कसुर ना ही सकते हमरी कविता। पूरा दिन उनको ख्यालों में रख के का लिखे थे। आलेटी भैया चार सीढ़ियां चढ़ के आने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? हट, कब से पोज मारकर बैठी थी, कमर टूट गई मेरी। रोमांस के मूड का अगर मर्डर कराना हो ना तो इस आदमी से प्राइवेट ट्यूशन ले लो। आ गए महाराज। अरे देखो तो यहां नहीं है, भाग तो नहीं गया? भाई लिख मेरी प्यारी। अरे क्या नाम बताया था तूने अपनी बीवी का? मैंने बीवी का नाम बताया था गटुकड़ी। बड़ा अजीब सा नाम नहीं है गटुकड़ी? चल लिख मेरी प्यारी गटुकड़ी। तू बीच में टा। अरे यार केस को देखने तो देख, किस टाइप का केस है ये बता भाई। शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 10 साल हो रहे। हेलन, 10 साल बाद बीवी कहीं प्यारी रह जाती है? तू भी कैसी बातें कर रही है? तू सिर्फ ये लिख गटुकड़ी बस। गटुकड़ी अब आगे लिख मेरी प्यारी गटुकड़ी, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हो गया यार? तू चुप रहे यार। 10 साल बाद बीवी की कहीं याद आती है? तू भी ना, सिर्फ लिख गटुकड़ी। गटुकड़ी तेरे हाथों से बनाए हुए गोभी के पराठे बहुत याद आते हैं। स्वादिष्ट बहुत होते थे लेकिन गैस बहुत बनती थी। कभी कभी चलते चलते हल्का सा उड़ता भी था। चाचा जी जल्दी मेरे कमरे में आइए ना। अरे क्या हुआ बहू? एक चिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई है, उसे प्लीज पकड़ के फेंक दो ना बाहर। चिपकली। मैंने चिपकली कहा है चाचा जी, शेर नहीं। आप इतना कांप क्यों रहे? नहीं बेटा देख क्या है कि छिपकली के पीछे कली होता है ना, तो मैं तेरी चाची को अनार कली कह के बुलाता था। अब जब भी कोई छिपकली को देखता हूँ तो मुझे उस खतरनाक कली की याद आ जाती है। That's too sad. अब क्या करें? सुन बेटा मुझे याद आ रहा है, जब मैं गैस पे चाय बना रहा था ना, हाँ? तो मैं दूध भी गर्म करने रख चुका था। मुझे लग रहा है वो फन गया होगा। मैं चलता हूँ। मम्मी जी आप आ जाइए ना। मैं बहू, तूने सुना नहीं कि तेरे चचेरे ससुर ने क्या कहा कि दूध में उफान आ गया होगा? तो बेटा दूध में अगर उफान आ गया तो वो गिर गया होगा। गिर गया होगा तो बिल्ली सारा दूध पी जाएगी ना, पोछा लगाना पड़ेगा ना। मैं जाती हूँ, मैं भी देख आती हूँ वहाँ पे दूध को। अब तो सिर्फ तुम बचे हो पीर सिंह, आओ पकड़ लो। किसको पकड़नो है मेम साहब? I'll let you decide that. Follow me. केसरिया बालम पधारो मारे दे। खमा घड़ी मैडम साहब, खमा घड़ी। पीर सिंह तुम आ गए, थैंक गॉड। पता नहीं इस कमरे में कहां से छिपकली आ गई है, वहां पे कहीं तो चली गई वो। घबरा मती मैडम साहब, घबरा मती। आज तक मारे हाथ से कोई बचकर निकल नहीं पायो है। छिपकली ये छिपकली ने अपने डरावे की हिम्मत कैसे हुई? ये साला वॉचमैन भाभी जी के कमरे में क्या कर रहा है? How brave you are! और छिपकली के साथ क्या करोगे? मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ। ये तो कमखत ऐसे दिखा रहा है जैसे जैसे दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया हो। कोई सैनिक भी नजर नहीं आ रहा। How strong you are! और बोलो कि मैं छिपकली के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। How wrong? Romantic. मेरी तो कही हुई हर बात तुम मान रहे हो। मैडम साहब, मालकिन की रक्षा नौकर रो धर्म। How धार्मिक you are. मैडम साहब, छिपकली। हे भगवान,
ये दृश्य देखने से पहले मर क्यों ना गए? अरे जो एक वॉचमैन कर गया वो तू ना कर सका तिवारी। ऐसे जीना भी कुछ जीना है पगले? इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। नहीं अबे अब शांति से मरने भी नहीं देगा क्या? यार इतना टाइम लग रहा है ऐसे वीर सिंह को, यार इतना टाइम लगता है चिट्ठी लिखने में। घंटे से कह रही हूँ जाकर देखा, ऊपर बैठा है यहाँ पे, हिल तो रहा नहीं। हो गया हो गया। ओए वीर सिंह एक मिनट, तू मुझे ये हे भगवान, ये गाल पे क्या तेरे? गाल पे मस्सा है। अरे उसे छोड़, ये मस्सा नहीं है। उधर मुकर, उधर मुकर। ये दे, ये बता ये क्या है? क्या है? अरे लिपस्टिक का निशान है। अब तू ये मत कह दियो कि छपके लिए लिपस्टिक लगाई हुई थी और मेरे गाल को चूम गई। आपने गलत फहमी हुई है कक्को सां, शर्म की लाली है। वो बींदनी को चिट्ठी लिखवाई है ना मैंने। अरे लाली नहीं, दाल काली है ये। साफ दिखाई दे रहा है कि लिपस्टिक के निशान है। और तू क्या चिट्ठी में घुसकर बीवी से मिलकर भी आ गया? बहू ये देख, इसकी हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं। दरअसल क्या हो गया कि चिपकली को देखकर मैं डर गई तो मैं फिसल गई, तो मेरी मदद करने के लिए इन्होंने अपने गाल आगे किए और मैं अपने होठों के साथ इनके गालों पर गिर पड़ी। अच्छा, मतलब तू गिर पड़ी। हाँ। तू मुझे ये बता कि जब कोई गिरता है तो गाल आगे करता है या हाथ आगे करता है? चाचा जी, अच्छा लगेगा क्या अगर कोई पराया मर्द मुझे छुए तो अपने हाथों से? हाँ वैसे अभी भी हमें कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा बहू। ओ मम्मी जी, आप भी ना, आप दोनों ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे बस। देखो जी, ये गलत हो रहा है। आप मुझे बताओ कि मैडम साहब गिर रही थी, मैं हिसाब किताब लगाने बैठ जाता कि मैडम को कैसे छूं, कब छूं, किधर छूं और क्यों छूं। इतने में तो मैडम का मुंह फूट जाता ना। तू एक बात सुन ले, ये घर की मालकिन है, समझ रहा है? अगली बार अगर ये कहीं फिसलती है या गिरती है तो तू गाल आगे नहीं करेगा, अपने हाथ आगे करेगा, समझ रहा है? आपने इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो अभी मैं फ्लाइट से बीकानेर चला जाता हूँ। ए तू चौकीदार है, तू फ्लाइट से कैसे जाएगा भाई? फ्लाइट हमारे ऊंट का नाम है, मैं उसमें बैठता हूँ, उसमें घूमता हूँ। अपने कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है आपको? यू नो, ये बहुत गलत है। एक तो ये आदमी मेरी मदद कर रहा है, उसको ना थैंक यू ना कुछ, बस आप लोग गलत सुनाते जा रहे हो उसे। बस एक काम कीजिए ना, बस बहुत रात हो गई, आप लोग सो जाइए, मेरे मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। चल जान अब, और साफ करके आइयो इसे। सुन, ऊंट का नाम फ्लाइट, पर बचाने के लिए कार पे गिर गया। कुछ हजम हुआ तुझे? मेरे साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐ मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। उससे ज्यादा बदकिस्मत आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अपने घर के बाहर चौकीदार बना बैठा हूं, बताई बेगम ऊपर लेटी है बिस्तरे पे सैटन का नाइट गाउन पहन के, हुक्म होगा तो ये बंदा जाएगा। क्या जिंदगी हो गई है यार, किसकी घंटे है मेरी घंटे। ओह, इनकी कमी थी वही पूरी हो गई। हेलो, अबे कचेड़ू। चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक हैं, पर सुन, अब जो खबर सुनाने जा रहे हैं ना, उसे सुनकर ना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या खबर है? अरे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तू तो प्रेम के साथ चला गया फैक्ट्री खोलने। अरे ऊपर देख रहा हूँ,
और यहाँ बहू कोई अलग ही कंपनी खोल रही है। क्या मतलब? अरे यार मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, मतलब अंदर से निकल नहीं रही है वो बात यार। मैं बहुत ऊपर देख, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार निकालने की, ऊपर देखना। मैं यार मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहू का ना अपने मतलब जो चौकीदार है यार उसके साथ कुछ चल गया है। चाचा जी आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बातें बोलते हुए। आप अपनी गंगा जैसी पवित्र बहू के ऊपर लाचन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं उससे। अरे यही कीचड़ नहीं उछाल रहा, मैं भी उछाल रही हूँ। और ये कीचड़ पता है तेरी बीवी ने ही सप्लाई करी है। मॉमी मैं अनु के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। आई लव हर एंड शी लव्स मी। वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अरे कुछ कामों में सोचने की नहीं करने की जरूरत होती है। अच्छा जी आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, अपनी सोच पे। फोन रखिए वरना Hang up. पिल्लू लग रहा है दौड़ा दौड़ा के मारे को बात करना है। तो बात करना है, तू करना यार, तू कर ले भाई। ठीक है आप, मैं क्या कह रहा था भाई, हमें माफ कर दो, हमसे नहीं होनी चाहिए थी ये गलती, माफ कर दो। मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो हॉकी और हम दोनों के कंधों पर है, हम दोनों के सर, जड़ दो, तोड़ दो, मार दो हम दोनों को यार। ठीक है भैया, हम कैसे दोस्त आ गए, दिखा रहे हम पे, बताओ यार, दोस्त की बहन ही छेड़ दे यार। क्या दिखती है यार तेरी बहन, लेकिन हमें नहीं देखना चाहिए था, गलत बात। टीका तेरी जान का सब यार, मैं जो ठुमके लगाती है ना, वाह वाह। लेकिन वो ठुमके हमें नहीं देखने चाहिए थे यार, बिल्कुल नहीं। हम तो अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाएंगे। कितनी खूबसूरत बहन है तेरी, लेकिन हमें गलत नजरों से तेरी बहन को नहीं देखना चाहिए था। तिल्लू हाँ बोल। मैं तो कह रहा हूँ भैया कि हमें अपनी आंखों को फोड़ देना चाहिए, जो टीका की बहन को देख कर मचल गई। नहीं मचलनी चाहिए थी यार। हाँ बिल्कुल नहीं मचलनी चाहिए थी। सारो तुम दोनों पछता रहे हो या मेरी बहन को याद करके मजे ले रहे हो? ना 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 टीका, कैसे बातें कर रहे हो तू यार, हम तो पहले बहुत शर्मिंदा हैं। टीका हमें माफ कर दे भैया, पैर पड़ रहे तेरे, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना आएगी भैया, माफ कर दे। मुच्छल तुझे मैं बचपन से जानता हूँ सारे, चल माफ कर दियो तुमको। अब मुझे कर दियो। ठीक है ने माफ कर दिया। यार बहुत बहुत शुक्रिया तेरा यार। वैसे ठीक है एक बात बोलूं यार, तेरी बहन बड़ी हट्टी कट्टी जवान हो गई है। मेरा कहने का मतलब है कि तेरी बहन जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लौंडा देख के उसकी शादी कर दे यार तू। हाथ पीले कर दे भैया, कल को कोई ऊंच नीच आ जाए तो। हाँ हाँ यार क्या बताएं, कोशिश तो बहुत की लेकिन हमारी टिकली के लिए कोई शरीफ इज्जतदार खानदानी मेरे जैसे लौंडा मिलने भी तो चाहिए ना यार। मिल ही रहे हो यार, मेरे बस चले ना तो आज मैं बाकी शादी कर दूं किसी खानदानी लौंडे से, लेकिन है कहाँ ऐसे सुशील लौंडे आजकल। यार ठीक है तू आके उठा के देखेगा तो दिख भी जाएगा। अबे बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, दोस्त हूँ तेरा यार, मुझसे अच्छा लौंडा तुझे कहाँ मिलेगा। अगर तू कहे तो मैं तेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ओ ओ ठीक है, लट धूतड़ी इधर करियो, अरे बकवास कर रहे हो फालतू की। सारे ठीक है मेरे बचपन का दोस्त है वो, एकदम चड्डी बड्डी। ठीक है अगर तू चाहतो है तो मैं तेरा जीजा बनने के लिए तैयार हूँ। भुइया बनने के लिए तैयार बैठे हो तुम? अबे मोहल्ले के तुम आवारा कुत्ते हो, काम काजी का आदमी हम हैं, आई समझ में? ठीक है अगर तू कहे तो तेरी बहन से शादी करने के लिए एक समझदार इंसान मौजूद खड़ा है। ओ सारे सड़े हुए टमाटर की फफूंद लगी चटनी, सारे बकवास कर रहे हो, केकड़े की शक्ल वाले, मैं घर में शादी, उतर हुए छिलके बकवास कर रहे हो, शक्ल देखे साले मुच्छर। तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूं मैं, मेरी बहन को मैं कुएं में धकेल दूंगा, डक्को दे दूंगा वाको,
वहां पर खुश रहेगी वो, लेकिन तुम दोनों से शादी ना करूंगा मैं। माना कि मेरी बहन की जिम्मेदारी मुंह पे है, वहां को बोझ मेरे कंधे पे है, और वहां बोझ से है ना मेरे कंधे दुबे भी लगे हैं। लेकिन मैं क्या यह बोझ है ना जल्दी से जल्दी उतारूंगा। लेकिन जाको मतलब जाने बहो कि तुम दोनों जैसे लोफर है ना वास्तव में शादी कर दूंगा मेरी बहन की, समझ गए यू इडियट, राजकल सारे इलिटरेट पर्सन गवार लोग। गरी गेट आउट, गेट आउट। इन्नो जी किसको गेट आउट बोल गो यार? यार जे तो खुद को बोल गया।